कैसे आप सब? तो दोस्तों आज की जो वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो आप ये तो जरूर ही पूरा देखें, क्योंकि मेरे को बहुत से कमेंट आते हैं कि जैसे एक फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी पीवीसी कनेक्शन पाइप फ्रॉम गीजर के लिए, जो इनलेट आउटलेट जो पाइप होते हैं, एक क्रॉम्पटन का था और एक दोस्तों ऑर्डिनरी कोई कंपनी का था। तो खैर वेराइटीज तो बहुत सारी होती है, आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको के हैवेल्स ही लेना है या क्रॉम्पटन। आजकल बहुत सी मार्केट में कॉम्पिटिशन है, तो बहुत सी टाइप की आती है वेरायटी। पहला, दूसरा दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कई जगह क्या होता है, मैक्सिमम जो ये पीवीसी कनेक्शन की जो लेंथ होती है ना, आप कोई भी कंपनी का गीजर ले लो ब्रांडेड, जैसे बजाज, हैवेल्स, क्रॉम्पटन, एओ स्मिथ, एंकर, कोई भी ले लो, जो मैक्सिमम साइज होता है 1.5 फुट यानी कि 18 इंची। तो जो भी आप गीजर लोगे सबको उसमें आपको 18 इंची का पीवीसी कनेक्शन मिलेगा, यानी कि दो पाइप का सेट, दो पाइप होते हैं सिंगल सेट, तो उसमें 1.5 फुट ये स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद कई केस ऐसे होते हैं, एज अ टेक्नीशियन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी कई जगह इंस्टॉल करें गीजर जहां पे क्या होता है कि पाइप में जैसे फॉर एग्जांपल हाइट है छत की बहुत ज्यादा लंबी 20 फुट, कोठियों में ज्यादातर ये होता है वहां, और जो हमारे इनलेट आउटलेट कनेक्शन है वो उसमें बहुत ज्यादा पाइपों की लेंथ होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 फीट का कनेक्शन पाइप ला सकते हो। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मेटेरियल्स की तरफ। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम का सॉल्व करना है, एक ही छोटा सा कनेक्टर है, इसे हम कनेक्टर भी कह सकते हैं या हम इसको एस एल्बो भी कह सकते हैं या एस निप्पल भी आप कह सकते हो। सबसे पहला तो हमें इसको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। ये जैसे कि आप भी देख रहे हो है बहुत छोटा सा प्रोडक्ट, ज्यादा महंगा नहीं है, ये 35 रुपीज का है। इसमें भी दोस्तों कई क्वालिटी आती है, बहुत सी क्वालिटी आती है। खैर अभी हम बात कर रहे थे अपने जिसमें हमें एक्सटेंड करना होता है उस केस की। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो पाइप हैं, आप देख सकते हो ये क्रॉम्पटन के हैं पहला। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जहां पे ये गीजर में हमें जो लेंथ चाहिए थी वो है दोस्तों कुछ अपना 4 फुट की, 3 फुट की जरूरत पड़ रही है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो हमें पाइप है अवेलेबल है, कनेक्टर अवेलेबल है, तो उस केस में हमें कैसे इसको कनेक्ट करना है मैं आपको वो बताऊंगा। तो इसको रख देते हैं हम साइड में, यहां से हम निकालने थे हमने पाइप, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हो ये इसका स्टैंडर्ड साइज है, ये क्रॉम्पटन का है। वैसे नॉर्मली वैसे जो गीजर्स होते हैं जहां पे भी वॉशरूम में जो गीजर लगने होते हैं वहां पे मैंने खुद देखा है कि बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि स्पेस बहुत ज्यादा है इनलेट आउटलेट एंगल वॉल्स में और गीजर के उसमें ब्रैकेट में बहुत ज्यादा। नॉर्मली क्या होता है 1.5 फीट में काम हो जाता है। अच्छा उसमें भी दोस्तों पाइप आपने देखा होगा ऐसे बैंड रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगता, थोड़ा बैंड रहता है पहला। दूसरा अब हमें एक्सटेंड करना है, तो अब ये दो चीजें होती है, या तो आपको जैसे जहां पे 4 फुट की जरूरत पड़ रही है या 3 फुट की जरूरत पड़ रही है। अब ये तो आपका 1.5 फीट है, हमें जरूरत पड़ रही है 3 फुट की या 4 फुट की या 2.5 फुट की, तो उस केस में हम क्या करेंगे। और सबसे मेन चीज के आपके पास जो आप जैसे आफ्टर मार्केट जा रहे हो या कहीं भी, बहुत से जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं वही रखते हैं जो हैवी मतलब लेंथ के जो ये कनेक्शन पाइप होते हैं वही रखते हैं। छोटी मोटी शॉप्स में तो आपको मिलेंगे नहीं, हद से हद लास्ट 2 फुट या 2.5 फुट का मिल जाएगा, 3 फुट 4 फुट ये दोस्तों बहुत ही कम जगह मिलते हैं। जो जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं हार्डवेयर की तो उनमें मिल जाएंगे आपको, या हो सकता है आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। तो हमें करना क्या होता है, जैसे मान लो जैसे हम मान के चल रहे हैं कि ये 1.5 फीट है, ठीक है, हमें 3 फीट की चाहिए, तो ये है दोस्तों हमारा, इसको एस निप्पल बोलते हैं और हम कनेक्टर भी बोल लेते हैं। तो सबसे अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूं, वैसे इसमें टेफ्लॉन टेप लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि लीकेज ना करे, लेकिन हम आपको वैसे ही दिखाते हैं। वैसे भी ये क्रॉम्पटन का पाइप है, इसमें अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो वाल है डबल वाल दिया हुआ है,
सॉरी मार्शल। तो ये यहां से ऐसे इस तरीके से ये आपने कस लेनी है, ठीक है। पहला, अब हमें इस रिंच की मदद से इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। यहां से आप इसको रिंच को लगाएंगे तो ये ऐसे इसको पूरी तरीके से हमें टाइट कर लेना है, ठीक है। मैं यहां से देख पा रहा हूं तो ये एकदम टाइट हो गया, ठीक है। और यहां से भी हम पूरी हवा पास हो रही है। अच्छा, ऐसे हमें दूसरा कर लेना है। बस इसमें थोड़ी डिफिकल्टी क्या रहेगी मैं आपको वो भी बताता हूं। जैसे दूसरा हो जाएगा, जो डिफिकल्टी है वो दोस्तों यही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हो कि एक जगह पाइप पकड़ा हुआ मैंने, एक जगह मैंने रिंच ली हुई है। आप चाहो तो इस जगह रिंच भी यूज कर सकते हो या प्लास वगैरह प्लायर वगैरह से भी कर सकते हो। उससे आपको फर्स्टली मतलब क्या होगा, एकदम टाइटली ये हो जाएगा। मैं आपको एक खाली एक फोक करके दिखा रहा हूं। जैसे यहां से ये मैंने ये इसको टाइट कर दिया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो, सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो कहीं से लीकेज नहीं है। तो एकदम ये, अब ये जो पाइप जो पहले जो था 1.5 फीट, अब दोस्तों ये एस निप्पल या कनेक्टर लगने से ये बन गया है दोस्तों 3 फुट का बन गया, यानी कि हम इसे मोटी मोटी भाषा में बोले तो 36 इंची। तो 36 इंची ये बन गया है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि निप्पल भी हमारी 1 इंच की निप्पल है। तो इस केस में आप ये कहीं भी ट्राई कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको जैसे कि मतलब अपना 4 फुट के संगे करना, इस केस को आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे बहुत सी जगह हमने खुद एक्सपीरियंस, एज ए टेक्नीशियन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। एक जगह गीजर इंस्टॉल होना था, जहां पे गीजर इंस्टॉल होना था वहां वो थी उसकी छत मतलब रूफ के ऊपर, क्योंकि वहां प्रेशर पंप्स लगे हुए थे, इसकी वजह से उन्होंने वहां इंस्टॉल करवाने थे। वॉशरूम में कनेक्शन सारे वॉशरूम में थे और किचन में थे, लेकिन गीजर वहां इंस्टॉल होने थे। तो हमने क्या किया था उस केस में, जैसे कि रूफ के अंदर गीजर इंस्टॉल, रूफ के ऊपर जो हमारी जिसे आप छज्जा कहते हो वहां बना होता, वहां हमने इसे इंस्टॉल किया। अब वहां से जो इनलेट आउटलेट जो कनेक्शन थे, इनलेट आउटलेट के जो कनेक्शन थे, वो दोस्तों कम से कम आप ये मान के चले 12 से 15 फीट के ऊंचाई पे थे। तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने 4-4 फीट के 2-3 पाइप सेट लिए थे, जिसमें हमने ये कनेक्टर लगा के ज्वाइंट करके हमने बनाया। और दोस्तों बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, बहुत ही बढ़िया। और कनेक्ट करने के बाद हमने एक 26 mm की क्लिप या 30 mm की क्लिप लगा के उसको ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो, ताकि पाइप हवा में झूले ना, एकदम बैंड रहे। जैसे छोटी जो क्लिप्स होती है, वायर क्लिप्स होती है, ऐसी बड़ी क्लिप्स भी आती है, उससे भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरे को आपको यही दिखाना था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।